माउंटेन्स में जाना मुझे हमेशा अच्छा लगा है, मैं माउंटेन्स में बहुत घूमा हूँ, पर ना जाने फिर भी मैं एक स्कीइंग से हमेशा डरता था। मुझे लगता था इतनी हाइट से इतनी तेज़ी से आप स्कीइंग करके आते हो, बैलेंस करके आते हो, कितना डिफिकल्ट होगा। तो कहते हैं ना कि हमेशा वो काम करना चाहिए जिससे आप डरते हो, तो इस बार मैंने सोचा है कि जाके स्कीइंग सीखी जाए। तो आज मैं निकल रहा हूँ कजाकिस्तान के लिए। कजाकिस्तान में मैं अलमाती जा रहा हूँ। सो आई जस्ट अराइव्ड एट अलमाती। अलमाती पहुंच गया हूं। अब मैं अपने हॉस्टल की तरफ जा रहा हूं। चारों तरफ बर्फ है, थोड़ी फिसलन भी है सड़क पे, यहां से चलना पड़ रहा है। हॉस्टल मिल गया है। हॉस्टल काफ़ी बड़ा लग रहा है बाहर से। अब रूम देखते हैं। मेरे साथ यहां चार लोग और हैं। 450 रुपये में ये काफ़ी अच्छा रूम है। आप देख सकते हैं वॉल टू वॉल कारपेट है। इवन हॉस्टल भी काफ़ी अच्छा है। डे टू, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्नोफॉल हो रही है। अभी मुझे शिम्बुलक स्की रिजॉर्ट जाना है। अच्छी ठंड हो गई है, कल रात से ज़्यादा ठंड है। थैंक यू। हैवी हमने इनकी फरमाइश में मिथुन चक्रवर्ती का सॉन्ग चला दिया है। यहाँ पे लोग मिथुन चक्रवर्ती को बहुत पसंद करते हैं और वही सॉन्ग सुनते हुए हम जा रहे हैं। देखिए कितना टैक्सी अब छोड़ के अब कंडोला लेके शिम्बुलक जाना पड़ेगा। यहाँ ठंड थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ा सा स्लिपरी भी है। गाड़ियाँ से यहीं तक अलाउड है। शिम्बुलक तक पेट्रोल की गाड़ी अलाउड नहीं है, जो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ या तो इको बसें चलती हैं या फिर आपको यहाँ से गोंडोला लेके ऊपर तक जाना पड़ेगा। दिस इज शिम्बुलक। शिम्बुलक पहुंच गया हूं। अभी बहुत भीड़ नहीं लग रही है क्योंकि वीकडे है। थोड़ी सांस फूल रही है क्योंकि हाइट है, ऑल्टीट्यूड है। वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शंस बहुत कम है, तो मैंने एक राइस ऑर्डर की है और एक कुछ इनका बॉयल्ड पोटैटोस थे वो साथ में ऑर्डर किए हैं। जैसा आप देख सकते हैं वेजिटेरियन होना थोड़ा सा टफ है, कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये मेरा लंच है। बहुत ढूंढने के बाद सिर्फ ये दो चीज़ें मिली जो वेजिटेरियन है। चलिए, देखने में तो अच्छी ही लग रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा स्नोफॉल हो रहा है। मैंने यहाँ अलमाती में है जूते लिए थे बर्फ के लिए स्पेसिफिकली, और काफी फायदा हो रहा है। देखिए मैं कितने आराम से बर्फ पे चल पा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं फिसल रहे। ऐसी जगह आना हो तो प्रॉपर तैयारी के साथ आना चाहिए। बिल्कुल बर्फ मेरे मुंह पे आ रही है, क्या बात है, क्या बात है। गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है, मौसम एकदम साफ है आज। कल बहुत ज्यादा स्नो हुई थी तो आज कोई बादल नहीं है। टेम्परेचर -16 डिग्री बता रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है कि -16 है। स्की पैंट ले ली है, अब स्की करने जा रहा हूँ। थोड़े से शूज पहली बार पहने हैं, आई डोंट नो कि मैं ठीक से चल पा रहा हूँ, काफ़ी भारी है।
दिस इज कॉल्ड मैजिक कारपेट, ये बिगिनर्स की स्लोप्स है, आप स्कीज पहन के ऊपर तक जाते हैं एंड देन यू स्की डाउन। ये देखिए, सो 30 माइल्स तक था अलेक्जेंडर, अभी हमने 1 घंटे स्कीइंग की है, अब मैं एक रन करने जा रहा हूँ और जी मेरा वीडियो बनाएंगे, देखते हैं कितना सीखा है आज। ओके अब स्कीइंग हो चुकी है, शाम भी हो गई है, आज फुल मून है जैसा आप देख सकते हैं, आसपास अभी बिल्कुल भी लोग नहीं है, ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा ठंड है। मैंने भी अपने जैकेट के नीचे एक स्वेटर और पहन लिया है, फिर भी ठंड लग रही है। द्रुक। ये मेरे रूममेट हैं सर्जियो, ये अलमाती से हैं, ये भी यहाँ स्कीइंग करने आए हैं, बहुत अच्छी स्कीइंग करते हैं। सर्जियो यहाँ के प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी में थे, ये फोटो उनकी 2001 की है, जब पुतिन अलमाती आया था तब वो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड में थे, यहाँ के लोकल प्रेसिडेंट की। आइए मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ, मेरा रूम नंबर है 105। ये एक मिस्ट डॉर्मेट्री है, शिमलक स्की रिजॉर्ट, वैसे तो एक प्रॉपर होटल है पर यहाँ पे कुछ रूम्स इन्होंने डॉर्मेट्री में कन्वर्ट कर दिए हैं, और ये 6-बेड डॉर्मेट्री है। नीचे वाला बेड मेरा है और मुझे लग रहा है इस रूम में ये बेस्ट बेड है, और वो क्यों, क्योंकि आप व्यू देखिए, जी देखिए, ये व्यू देख के मेरी रोज सुबह होती है। सो आज हम रेड लाइन के लिए जा रहे हैं, अभी तक मैंने ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन्स कर ली हैं, सो थोड़ा सा आज मैं नर्वस भी हूँ। तो ये स्कीइंग मैप है, ये ग्रीन मैं कर चुका हूँ, दोनों ग्रीन कर चुका हूँ, इनफैक्ट मैं ब्लू भी कर चुका हूँ। आज मैं चेयर लिफ्ट से, इस लिफ्ट से ये पहला स्टॉप है और ये दूसरा स्टॉप है, और उस स्टॉप से जो रेड लाइन देख रहे हैं आप, ये रेड लाइन और ये जो ब्लैक भी है, ये लेके नीचे आना है, ये हल्का सा ब्लैक है, ये ब्लैक लाइन है, इससे नीचे आना है और ये नीचे आके वापस यहाँ पे आना है। ये पूरा जो राउंड है ये करीब 4 से 5 किलोमीटर बीच में राउंड होगा और इसको एक ही शॉट में करना है। तो सर जी को लग रहा है कि थोड़ा जल्दी है, पर चूंकि मेरे पास दिन नहीं बचे हैं तो मैं सोच रहा हूँ ट्राई करते। सो हम चेयर लिफ्ट में बैठ गए हैं, मुझे लग रहा है कि मुझे हेलमेट पहन लेना चाहिए था, काफ़ी स्टीव लग रहा है यहाँ से। You need helmet. Okay. When it goes to the big slopes already, you need to have helmet. तो सर जी भी बता रहे हेलमेट पहनना चाहिए था, पर सर जी आप क्यों बता रहे हो? You should have told me when we were down. अब हम चेयर लिफ्ट में बैठ चुके हैं, अब हेलमेट कहाँ से लाए? चलिए ठीक है, जाखो राखे साइया, मार सके ना कोई। He is happy with my progress. अभी बस करना बाकी है। Very good student. After 6 days, he can already go down. It's a very good result. अभी देखते हैं। Maybe ये सिर्फ मेरे को motivate करने के लिए कह रहे हैं। जब मैं नीचे आऊँगा तो पता चलेगा। पर ये काफी steep होता जा रहा है। थोड़ा मैं nervous तो हो रहा हूँ। पर खूबसूरत कितना है यार,
भाई ठीक है, नर्वस है, सब कुछ है, वो लाइक इट्स डैम ब्यूटीफुल दिस प्लेस. अगर मैं ये कर पाया तो मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी होगी मेरे को सीरियसली. पर ये काफ़ी स्टीप होता जा रहा है, शायद हमें बिल्कुल टॉप पे जाना है, वहाँ से स्कीइंग करके नीचे आना है. तो यहाँ हम अपनी पहली लिफ्ट छोड़ेंगे और उसके बाद हम दूसरी लिफ्ट करेंगे, वो और ऊपर जा रही है. सीरियसली अब मैंने अपनी स्की हटा ली है. मेरे को लगता है यहाँ से करना भी ओके. ओके चेयरलेस से उतरना आसान था, पहला केबल कार हमने छोड़ दी है चेयरलेस, अब हम भी सेकंड चेयरलेस में जा रहे हैं. ये हमें बिल्कुल माउंटेन टॉप पे लेके जाएगी. अब हम सेकंड स्टेज पे जो हमें टलगार पास ले जाएगी वहाँ जा रहे हैं. ये तो काफ़ी ऊपर जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मैंने थोड़ा बड़ा पंगा ले लिया है, पर ठीक है. आप देख सकते हैं एक छोटा सा एवलांच आया है, शायद ये कल आया होगा. सर जी बता रहे हैं स्ट्रिंग्स में एवलांच बहुत आते हैं, एवलांच में पूरा देखिए आइस यहाँ से ब्रेक हो गई है और पूरी आइस ब्रेक होके एरिया में वहाँ पर आ गई है और ये आइस के बड़े बड़े रॉक बन जाते हैं. ये काफ़ी डेंजरस होते हैं, ये काफ़ी छोटा एवलांच था, पर ये जब भी आते हैं ब्रेक एंट्री वेरी वेरी बिग, क्योंकि ये पूरा एवलांच प्रोन एरिया है. और ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, ये क्योंकि हम टॉप पे पहुंचने वाले हैं, यहाँ विंड भी बहुत ज़्यादा चल रही है इस टाइम. ये शुरू के पहले 2 किलोमीटर थोड़े ज़्यादा चले थे होंगे, पर ठीक है. ये देखिए हम बिल्कुल माउंटेन टॉप पे हैं इस टाइम. ये तलगार पास कहते हैं, ये हाईएस्ट पॉइंट है स्की रिजॉर्ट का. सो हम पहुंच गए हैं और विंडी है और आप 360 व्यू देख सकते हैं. हम इस चेयरलिफ्ट से आए थे और अब हमें बिल्कुल नीचे जाना है. ओके सो I'm going to start my ski. To the most difficult part of our slope. Until we get this deep part. Oh.
best. Okay, we passed the first part of the slope successfully. So we came to the most difficult part. He did it! Great! I did it! Finally! I am very happy.